हेलो चिल्ड्रेन, दिस इज़ इप्सिता गंगोपाध्याय, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल. स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक, दैट इज एनिमल्स. एंड इन एनिमल्स वी विल बी लर्निंग अबाउट बर्ड्स. नाउ स्टूडेंट्स, You already know that birds are the most beautiful creature of nature, and they are also very colorful. So we all love birds. We also visit different sanctuaries to see the different types of birds and different colors of birds, and we can also go to see the different habitats of birds as well. In this chapter, we will just learn how the different birds are there. The common birds, Indian birds are there in the environment. Then we have to go through the body parts of a bird. Then we will know about the eating habits of the bird as well as the habitats of the bird. Then how the birds fly, then how they look after their young ones, and how we should take care of birds. So first of all, in your book, the common Indian birds are given in the picture. See the common Indian birds, what we can see every day. The birds can be seen every day in our environment. So first is the sparrow, then crow, then pigeon, parrot, cuckoo. So all these birds are familiar to us. ये सब birds हमने देखा है, हम अपने nature में देखते भी हैं, और हम ये सब बर्ड्स को पसंद भी करते हैं. तो चलिए हम बर्ड्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम बर्ड्स के बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो यू हैव द पिक्चर ऑफ अ बर्ड, एंड हियर यू हैव बीन गिवन विथ ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. सो आप देख सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स को लेबल किया गया है. सो यू हैव अ बर्ड. Bird's beak is there, head, wings, eyes, feet, leg, tail. You can see the beak, head, then wings, then tail, then eyes, then feet, and then the leg. Now always you can see that bird has a streamlined body. Now streamlined body मतलब कैसे? देखिए ऐसे बॉडी, ये जो बीच का जो पार्ट है वो ब्रॉड होता है, और यहाँ पे देखिए आप टैपरिंग पार्ट होता है. सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रीम लाइंड बॉडी. सो व्हाई स्ट्रीम लाइंड बॉडी इज देयर? इट एनेबल्स देम टू फ्लाई. क्योंकि वो फ्लाई करते हैं, इसीलिए उनको स्ट्रीम लाइंड बॉडी होना ज़रूरी है. तो आप देख पा रहे हो कि मैंने सब बॉडी पार्ट्स बर्ड का लिखा हुआ है, हेड, बीक, आईज, विंग्स, लेग्स, फीट एंड टेल. तो ये ऑलरेडी आपके पिक्चर में जो बर्ड है उसमें, आपके पिक्चर में वो बर्ड का पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं. नाउ यू नो दैट बर्ड्स हैव ए सॉफ्ट एंड फ्लफी फेदर्स. बर्ड्स को फेदर्स होते हैं. दे डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स को टीथ नहीं होते. उनको क्या होता है? बीक. तो बर्ड्स को टीथ नहीं होता है, उनको बीक होता है. एंड दे हैव टू होल्स कॉल्ड नार्स, नोस्ट्रिल्स, लोकेटेड ऑन देयर बीक्स थ्रू विच दे ब्रीथ. तो उनके जो ये होंठ होते हैं, बीक होते हैं, इसमें ही दो टाइनी होल्स होते हैं, तो वो ही उनके नोज़ का काम करता है. तो उसी दो होल से वो ब्रीदिंग करते हैं. उनका जो बॉडी होता है, उनके बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो भी बहुत ही लाइट होते हैं. एंड मोस्टली द बोन्स आर फिल्ड विथ एयर सो दैट द बॉडी इज़ लाइट.
उनका जो बोन्स रहते हैं वो बिल्कुल भी लाइट होता है, क्योंकि उनको फ्लाई करना होता है, इसीलिए उनके बॉडी का वेट यदि ज़्यादा हो जाएगा तो वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा बर्ड का जो बॉडी होता है वो लाइट वेट होता है। एंड बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स टू विच देयर विंग्स आर अटैच। दिस मसल्स हेल्प द विंग्स टू मूव अप एंड डाउन। सो उनका जो विंग्स होता है, उसका जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनको फ्लाई करना होता है। सो दिस इज सम शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ बर्ड। नाउ वी विल गो फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड, दैट इज बीक्स, फीट एंड फेदर। तो हम क्या करेंगे, ये बीक्स, फीट एंड फेदर का कुछ इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ वी विल फर्स्ट हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द बीक ऑफ अ बर्ड। सो व्हाई बीक इज नेसेसरी इन बर्ड इज, बीक इज यूज फॉर कैचिंग एंड ईटिंग फूड। इट इज ऑल्सो यूज टू फीड द यंग वंस। देन इट इज यूज टू बिल्ड द नेस्ट एंड ऑल्सो यूज टू क्लीन फेदर्स एंड स्मूदन द फेदर्स। सो इन ऑर्डर टू कैच और ईट फूड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक। हर बर्ड अलग अलग फूड लेते हैं, इसीलिए उनके बीक में भी अलग अलग टाइप के बीक का टाइप होता है। सो हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीक्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर यूजेस। सो ऑल द बर्ड्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ बीक। सो अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट दे हैव द शेप ऑफ द बीक। Now see, there are various types of beaks of a bird according to their food habit. So first is your strong, short and hard beaks. Beaks are strong, short and hard. So this type of beaks can be seen in the bird like pigeon. Strong, sharp and hooked. This type of beaks can be seen in eagle and vulture. Strong and chisel-shaped beaks are found in woodpeckers, curved beaks in parrots, broad and short beaks in swallows, long and pointed beaks in hummingbird, and broad and flat beaks in duck. So you can see the pictures of various birds which have this type of beaks. So आप ये वाले जो different types of beak है ये आप लिख सकते हो, और उसका डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये आप लर्न कर सकते हो। सो वी विल जस्ट सी द पिक्चर ऑफ द बीक्स। नाउ यू कैन सी द बीक ऑफ पिजन। इट इज शॉर्ट, लॉ, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक्स बिकॉज दे हेल्प देम टू बाइट एंड क्रैक ओपन द नट्स एंड सीड्स दे ईट। सो दीज पिजन्स ईट the nuts and grains, so they should cut the nuts with this beak. That is why they have strong, short and hard beak. You can see the strong, sharp and hooked type of beaks in vulture or eagle because these birds eat the flesh of animals, so that is why they need this type of beaks. You have strong and chisel-shaped beaks in case of woodpecker because woodpecker makes holes in the hard trunk of teeth, and after making the holes, they pull out the whatever insects are there inside the tree and they can eat. The parrots have curved beaks because they have to crack open seeds and nuts, and they also eat the pulp of fruit. They also use their beaks to climb the tree. So you can see the curved beak of parrot. You can see the broad and short beak of swallow. Swallow usually catch small flies and insects from air. So that is why they have this type of beak. The hummingbird has long and pointed beaks.
Also, the kingfisher and heron also have this type of beak because they help them to suck the nectar. And for kingfisher, as they pick up fishes from water, so they have this type of pointed beaks. The ducks have this type of flat and broad beaks because these ducks usually swim in water and they take up the fishes or the worms or insects which are inside the water, and in their beak there are two holes on both the sides, and as they are eating the insects, worms and small water plants and that are present in the water, so for that the holes help them to get rid of the muddy water and leaving the plants and insects inside their beak. So this type of beak is helpful for the ducks as well as the swan and the goose. So we learnt about the different types of beaks. So go through the types of beak and the example of the birds which have this type of beaks. So in the next video, we will learn about the feet and claws of different birds as well as the types of feathers and their habitats, etc. Thank you.